हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, यू आर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज द ओल्ड क्लॉक शॉप। अब ओल्ड क्लॉक शॉप, तो ये कौन सी बुक की है? सप्लीमेंट्री बुक की, द पैक्ट विद द सन। सप्लीमेंट्री बुक का आपका ये चैप्टर है द ओल्ड क्लॉक शॉप, और इससे पहले हमने द शेपर्ड्स ट्रेजर कंप्लीट किया था। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी भी समय जो है अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। आज हम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज द ओल्ड क्लॉक शॉप। तो क्लॉक बच्चों आपको पता होगा किसको बोलते हैं, वॉल क्लॉक, घड़ी। तो घड़ी की यहाँ पे एक स्टोरी है। एक पुरानी शॉप है, दुकान है, किसकी है? घड़ी की दुकान है। तो पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका प्रीवियस ओवरव्यू देख लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि ओल्ड शॉप। अब क्रिसमस का टाइम था और क्रिसमस 24 दिसंबर था और सारी शॉप्स जो हैं बंद हो रही थी। बट एक शॉप जो है, होता है ना कि जितने शॉपकीपर्स होते हैं जल्दी जल्दी अपनी दुकान बंद करके, और उन्हें भी लगता है कि भाई हम भी सेलिब्रेट करें, क्योंकि इट इज अ स्टोरी फ्रॉम अमेरिका। तो वहां पे जो है क्रिसमस आपको पता है कितना धूमधाम से मनाया जाता है। तो यहाँ पे भी सेम है कि 24 दिसंबर की नाइट में जो है सारी दुकानें बंद हो गई थी, बट एक शॉप जो है अभी भी खुली थी, द ओल्ड क्लॉक शॉप। पुरानी एक दुकान थी, वो अभी भी खुली थी और वो भी जो है तैयारी कर रहे थे बंद। पर होता है ना बच्चों, कभी हम जो है फेस्टिवल से पहले जब हम शॉपिंग करते हैं तो हमें ध्यान आता है अरे हम ये तो भूल गए, होता है ना। और फिर जल्दी जल्दी जो है हम शॉप में जाते हैं उस चीज को परचेस करने के लिए। सेम यहाँ पे भी जो है, जैसे ही रे जो है यहाँ पे ओल्ड शॉप किसकी है, ओल्ड क्लॉक शॉप किसकी है, रे की है। तो जो रे शॉपकीपर है वो भी दुकान बंद करने जा रहे थे, बट सडनली उन्होंने देखा कि एक जो है 50 इयर्स का जो है एक आदमी और उसके साथ 20 और अबाउट 20 to 25 इयर्स का एक लड़का जो है वो उनकी दुकान की तरफ आ रहे हैं। फिर आगे क्या होता है बच्चों, देखते हैं कि ओल्ड शॉप, क्या वो शॉपिंग करने आए थे या उनका इंटेंशन कुछ और था? क्लियर? तो इसी को अभी हम यहाँ पे लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। तो यहाँ पे ये बच्चों, ये कौन है? ये रे है। और रे के बारे में एक और करेक्टर बता दूं मैं, ये डफ है, इन्हें जो है सुनाई नहीं देता है। और जब भी कोई इनकी शॉप में शॉपिंग करने आते हैं तो ये क्या देते हैं उनको, एक नोट पैड देते हैं और एक पेन देते हैं कि लिख के मुझे जो है वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, और जो भी तुम पूछना चाहते हो या कुछ परचेस करना चाहते हो प्लीज राइट डाउन ऑन द नोट। तो ये मिस्टर रे हैं और ये जो है शॉपिंग करने आते हैं। अब इंटेंशन क्या है इनका, लेट्स सी कि ये शॉपिंग करने आ रहे हैं, शॉपर्स हैं, और ये जो है उनके साथ जो है अटेंडेंट जो उनका आया था 20 to 25 इयर्स ओल्ड। तो लेट्स सी, लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। तो क्लॉक शॉप घड़ियों की दुकान थी। एक कैसी घड़ियों की? ओल्ड, ओल्ड मीन्स पुरानी घड़ियों की दुकान थी। इट्स क्रिसमस ईव, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कौन सा समय था, क्रिसमस का टाइम था। इट्स क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप, रात का समय था, सारी दुकान क्या शॉप्स क्या हो रही थी बच्चों, क्लोज हो रही थी, बंद होने का टाइम था, एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप। रेज, अब रेज लिखा हुआ यहाँ पे, क्या बच्चों ध्यान दिया करें जब यहाँ पे बताया जाता है एपोस्ट्रॉफी कैसे है, रे की, राइट right? तो यहाँ पे ये नहीं है कि एस लगाते हैं तो आप कहेंगे प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या है, ये एपोस्ट्रोफी कैस का मीनिंग क्या है, का के की। तो यहाँ पे क्या है, रे की एक पुरानी ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन, सारी दुकानें जो हैं क्या हो रही थी, क्लोजिंग टाइम था, सब बंद हो रही थी या बंद हो गई थी, बट रीज कॉल्ड ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन, अभी भी खुली हुई थी। स्टिल ओपन मीन्स अभी भी। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आ, अब रात का समय था, सारे लोग जो हैं घर में चले गए थे, शॉपकीपर्स भी जो हैं अपनी दुकानें जो हैं शॉप बंद करके जा रहे थे। बच्चों एक दुकान खुली थी, किसकी थी बच्चों, रे की थी, और वो अभी भी खुली थी। और कौन आता है इतनी रात को लेट आस में, टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आर टू हिज शॉप, किसकी शॉप में, रे की। इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज दिस लेसन एक्सप्रेसेस हाउ ऑनेस्ट, ईमानदार, क्या एक्सप्रेस करे, हाउ ऑनेस्ट एंड करेक्ट वेज
कैन विन ओवर एनी सिचुएशन। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आपका तरीका सही है, तो आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, जीत सकते हैं उसको। विन ओवर एनी सिचुएशन, चाहे कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन हो, कितनी क्रिटिकल कंडीशन हो, हम अगर ईमानदार हैं, अगर हम जो है करेक्ट वे से जो है किसी का भी दिल भी जीत सकते हैं और कोई भी सिचुएशन को हम वी कैन हैंडल इजीली विद दीज वेज इवन रॉबर्स। अब यहाँ पे बोला है इस तरीके से हम जो है रॉबर्स किसको बोलते हैं बच्चों, लुटेरे, कैन बी टैकल्ड राइटली द वे मिस्टर रे। अब किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, मिस्टर रे नॉट ओनली प्रोटेक्टेड हिमसेल्फ बट शोड द राइट पाथ टू द रॉबर्स। यहाँ पे जो है इस स्टोरी में हम क्या देखेंगे बच्चों, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जो मिस्टर रे हैं, उन्होंने अपने आप को ही प्रोटेक्ट नहीं किया बट शोड द राइट पाथ, लुटेरों को सही रास्ता भी दिखाया उन्होंने, राइट पाथ टू द रॉबर्स। अब रॉबर्स क्या करते हैं, रॉब करते हैं, किसी को लूटते हैं, एज वेल इट कन्वेज अ मैसेज ऑफ पीस एंड गुड फॉर ऑल। क्या मैसेज है इस स्टोरी से, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मॉरल है हर स्टोरी का, तो यहाँ पे क्या मैसेज है, शांति, ईमानदारी से और हमारा जो है नेचर जो है सबके लिए अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हम हर सिचुएशन को, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, उसमें हम जो है जीत सकते हैं। करेक्ट वेज कैन विन ओवर एनी सिचुएशन और एनी कंडीशन, कोई भी क्रिटिकल हो, इवन रॉबर्स को भी हम जो है उससे, अपने व्यवहार से, अपने ऑनेस्टी से हम किसी को भी हरा सकते हैं। लेट्स बिगिन द चैप्टर। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड। अब क्रिसमस ईव, अब सबको बताया क्रिसमस कब आता है बच्चों, दिसंबर में आता है, तो रात को जो है सब कहाँ जाते हैं, चर्च में जाते हैं, तो 24 से सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं ये, और 25 को मेनली हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस। हैड अराइव्ड एट लास्ट मिनट, शॉपर्स वर गोइंग होम। अब लास्ट समय था, अब हैड अराइव्ड मीन्स 24th की नाइट की बात हो रही है यहाँ पे। एट लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम, तो शॉपर्स क्या कर रहे थे बच्चों, वर गोइंग होम, सब जो है अपने जो है खरीदारी करके सब घर जा रहे थे। ए थिक व्हाइट शीट ऑफ स्नो, अब आपको पता है कि क्रिसमस कब आता है, विंटर्स में आता है, तो यहाँ पे ये स्टोरी किसकी, अमेरिका की है, तो वहां पे क्या है, स्नोफॉल हो रहा है और पूरी एक शीट जो है व्हाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी। अब यूएसए की है स्टोरी, वहां पे जो है सॉल्ट लेक सिटी की बात कर रहे हैं, वहां पे क्या है, दिस एरिया वॉज कवर्ड विद ए व्हाइट शीट ऑफ स्नो, येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप एज वे, क्योंकि सब लोग जो है घर जा चुके हैं, शॉप कीपर्स भी घर जा चुके हैं, शॉपिंग जिन्होंने करनी थी वो भी जा चुके हैं, बट अभी भी जो है लाइट्स कहाँ पे जल रही थी, स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप एज वे, कहाँ पे जल रही थी, एक ओल्ड क्लॉक शॉप में, एज वे इट्स ओल्ड डेफ ऑनर, और उस ओल्ड शॉप का ऑनर कौन था, मिस्टर रे, और मिस्टर रे कैसे थे, ओल्ड, बूढ़े थे, थोड़े से ओल्ड थे, और कैसे थे, डेफ मीन्स बहरे थे, ऑनर वर्क ऑन ए क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट थे। अब उस दिन क्या कर रहे थे वो, अभी भी जो है वर्क ऑन ए क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट थे, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अब अपना काम उन्होंने खत्म करने के बाद रे स्टूड अप एंड वॉज ऑन हिज वे टू द बैक रूम। अब वहां पे जो है शॉप के पीछे एक और रूम था, तो जैसे ही वो उठे और कहां के लिए जाने रहे, ही वॉज टर्न टू गो बैक रूम व्हेन ए कोल्ड, और उसी समय क्या हुआ, एन ए कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक, और जैसे ही वो टर्न हुए पीछे के रूम में जाने के लिए, तो सडनली उनको जो एक ठंडी हवा फ्रंट डोर से जो है सीधी उनके नेक में उनको फील हुआ है। क्या फील हुई उनको, कि एक ठंडी हवा जो है तेजी से उनके नेक में फील हुई, तो इसका मतलब क्या था बच्चों, कि उन्होंने डोर नहीं बंद किया था, स्टिल इट्स ओपन। ही टर्न टू मीट, अब उन्होंने क्या करा, ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर, अब उन्होंने देखा कि शॉपर किसको बोलते हैं, जो शॉपिंग करते हैं,
तो उन्होंने देखा कि ये जो है ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर, कि जो शॉपिंग करने आए हैं इतनी रात को, व्हेन ही वाज गोइंग बैक टू टू द बैक रूम, तो उसी समय ठंडी हवा आती है और जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर, क्योंकि क्या था, शॉप्स बनने का टाइम आ गया था बंद करने का. बट हिज ओल्ड वाइज आईज टोल्ड हिम दैट दिस वाज नॉट अ शॉपर. परंतु उनका जो एक्सपीरियंस, अब जो काफी ओल्ड थे, काफी समय से जो है दुकान चला रहे थे, ओल्ड क्लॉक शॉप, दोनों उनकी जो आंखें थी वो बता रही थी और जो उनका एक्सपीरियंस था, तो वो ये बता रहे थे कि ये जो आदमी आए हैं दिस वाज नॉट ए शॉपर, कि ये खरीदारी करने के लिए नहीं आए. तो वो उनके दिमाग में एकदम से माइंड में आ गया, होता है ना कि अगर मेरे को एक्सपीरियंस है तो मुझे पता चल जाता है कि ये लड़का पढ़ने के लिए बैठा है या इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है. सेम अगर कोई बिजनेस कर रहा है, तो अगर बहुत समय से बिजनेस कर रहा है तो उसको उसके जो है एक तरह से कहते हैं तरीके जो है एक्सपीरियंस है, हम पहचान जाते हैं कि कौन सा किस उसका इंटेंशन क्या है. तो सेम जो है उसके एक्सपीरियंस क्या बता रहे थे ओल्ड मैन के, ओल्ड वाइज आईज टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट ए शॉपर, कि ये जो है शॉपिंग करने नहीं आए, दे वर नॉट शॉपर. दिस सो क्या देखा उन्होंने, ही सॉ टू मैन, वन इन हिज 20s. अब उन्होंने क्या देखा ओल्ड मैन ने, कि दो आदमी हैं, एक जो है अपने 20s में है, द अदर क्लोज टू 50, और दूसरा कितने उम्र का है, 50 years, क्लोज टू 50, मतलब लगभग अप्रोक्सीमेट से कि 50 years. द यंगर मैन रिमेन्ड, और जो एक यंगर है जो 20s में है बॉय, वो कहां पे खड़ा है, एट द टो. द ओल्डर मैन हु वाज 50 years ओल्ड Approached the काउंटर. अब काउंटर पता है ना आपको, अगर शॉप में जाते हैं तो एक मेन काउंटर होता है, यहाँ पे खड़े रहते हैं हिसाब किताब जो है, तो मेन काउंटर में जो है विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आईज, तो कहाँ अप्रोच करता है, द ओल्डर मैन अप्रोच 50 years old अप्रोच टू द काउंटर. अब उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था कि ये फ्रेंडलीनेस नहीं है. एक होता है ना कि अगर हम शॉपिंग करने जा रहे हैं तो बच्चों कैसा रहता है, हम क्या रूडली बोलेंगे वहां जाके, नहीं बोलेंगे ना, पोलाइटली बोलेंगे, और ये मैनर्स भी नहीं होते, बैड मैनर्स होते हैं. तो उसकी आंखों में उन्हें क्या दिख रहा था, कोई फ्रेंडलीनेस नहीं दिख रहा था. रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर. अब क्या होता है कि अगर मेरे को लग रहा है कि सामने वाला जो है खरीदारी करने नहीं आया, ही वॉज नॉट अ शॉपर, और उसका इंटेंशन मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो मैं जो हूं अगर मैं ये शो कर दूंगा कि भाई मेरे को डर लग रहा है, तो क्या होगा बच्चों, सीधे सीधे वो आपके ऊपर अटैक कर देगा. तो यहाँ पे ओल्ड मैन जो है बहुत वाइज थे, बहुत एक्सपीरियंस थे, उन्हें लग गया था कि ही वॉज नॉट ए शॉपर. तो उसने अपने फियर को क्या करा, द ओल्डर मैन हाइड जो हाइड हर्स फियर, अपने हाइड में छिपाना, तो उसने अपने डर को क्या करा बच्चों, छुपाया, हाइड करा, हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पुश्ड अ नोट पैड. अब जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था कि क्या थे वो, डफ थे, ओल्ड थे और डफ थे, तो उसने उन्होंने क्या करा, ही वॉज ट्राइंग, द ओल्ड मैन वॉज ट्राइंग टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर, और उसने धीरे से क्या करा, स्लोली ही पुश्ड अ नोट पैड एंड अ पेंसिल. क्यों करा बच्चों, क्योंकि वो क्या थे, डफ थे, उन्हें सुनाई नहीं देता था कि अगर मान लो कोई बोलेगा तो क्या उन्हें सुनाई देगा, नहीं, तो वो क्या करते थे, एक नोटपैड और एक पेन को आगे कर दिया. अक्रॉस द काउंटर सो दैट ही कैन राइट जो भी उसकी प्रॉब्लम है या जो उसको क्लॉक लेनी है या कुछ लेना है तो वो उसमें वो लिख सकता. ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस. अब उन्हें क्या हुआ, थोड़ा सा स्माइल करी, किसके ऊपर, द अनफ्रेंडली फेस जो वहां पे शॉपिंग करने आए थे उनके ऊपर. देन पॉइंटेड टू हिज इयर्स एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड. अब उन्होंने जो है इशारों से उन्हें बताया, पॉइंटेड टू हिज इयर, अपने कानों की तरफ इशारा करके अपना सिर हिला के बोला कि भाई मुझे जो है क्या होता है,
सुनाई नहीं देता है, नॉडेड अस हियर, सॉरी हेड, किसको हिलाया, हेड को नॉडेड कर, फ्रॉम साइड टू साइड. ए क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस, और उसी समय उन्होंने एक चेंज देखा उस आदमी के फेस में. एज ही स्टडी द नोट पैड देन टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, वो पढ़ने की कोशिश, ही स्टडीड द नोट पैड, और उसी समय वो टर्न हुआ कहां पे, जहां पे उसके साथ का जो कंपेनियन, जो साथी आया था उसकी तरफ, एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड. अब क्या बोला, लेट्स सी कि क्या उसने अपने फ्रेंड को बोला. आफ्टर दैट, जैसे ही किसने, ओल्ड मैन ने उनको पॉइंटेड करा टू हिज ईयर एंड शुक हिज हेड साइड बाय साइड, तो उन्होंने क्या देखा, उसकी चेंज देखा फेस में, द मैन फेस, एज ही स्टडीड द नोट पैड देन टर्न टूवर्ड्स हिज फ्रेंड एंड सेड समथिंग टू हिम. रे यूज्ड द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन. अब रे जो थे शॉपकीपर, कौन थे, रे, उन्हें जो है थोड़ा सा टाइम मिल गया, चांस मिल गया टू लुक क्लोजली एट द मैन, उस आदमी को देखने का. पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन, अब उन्होंने देखा कि उसके पास क्या था बच्चों, एक गन थी. पेइंग अटेंशन, अब उन्होंने ध्यान से देखा, टू द शेप ऑफ ए गन एंड अ रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट. अब उन्होंने जो है, उनको चांस मिल गया था कि इसको थोड़ा सा क्लोजली देखने का. अब उन्होंने देखा कि उसके पास जो गन थी उसकी शेप कैसी है. अब उन्हें थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि क्या पता ये ओरिजिनल है या क्या है, तो उन्होंने थोड़ा सा क्लोजली उसको देखा. क्या देखा, पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन एंड अ रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट, और एक जो है राइट पॉकेट में जो है उन्होंने अपना हाथ डाला हुआ था, राइट कोट पॉकेट. एंगर बॉइल्ड विद इन हिम बट इट वॉज केप्ट डाउन बाई एन इनर वॉइस That said, be still. अब इसको देख के जो है अंदर से क्या हुआ, गुस्सा, anger boiled within him. कि बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था. But it was, क्या उस समय अगर वो गुस्सा करते तो वो तो क्या करता, अपना घर निकलता, शुरू कर देता. तो patience की जरूरत होती है बच्चों. अब क्योंकि वो old man कैसे थे, बहुत ज्यादा experience थे, और उनकी जो wise eyes थी वो उसको जो है क्या कर रही थी, judge कर रही थी. तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया. बट क्या टाइम गुस्से का था, ऑब्वियस नो, बट इट वॉज कैप डाउन बाय एन इनर वॉइस सेड, पर उनको जो है एक अंदर से आवाज आई, बी स्टिल, शांत रहे या बी स्टिल, चुप रहे, कोई एक्शन ना ले. ही रोट ऑन द नोट पैड, अब उन्होंने क्या लिखा नोट पैड में, व्हाट ही रोट, मे आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूं. फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल. फर्स्ट टाइम जो ओल्डर मैन की तरफ जो है लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल. जो ओल्डर मैन था, ओल्डर मैन कौन था, जो 50 इयर्स के अप्रोक्स था, उन्होंने सीधे रे की तरफ देखा और स्माइल किया. इक्रिल मॉकिंग स्माइल, मॉकिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, मेकिंग फन, ऐसा लग रहा था मजाक कर रहा है. क्रुएलिटी सी दिख रही थी. एक होता है स्माइल नॉर्मल होती है, जेंटल सी होती है, बट इसकी स्माइल कैसी थी, अ क्रुएल मॉकिंग स्माइल. दे बोथ अंडरस्टूड व्हाई ही वॉज देयर, व्हाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर. अब दोनों की समझ में क्या आ गया था, बोथ ऑफ देम अंडरस्टूड That he was there. क्यों है वहां पे, Why he was remained at the door? They looked like men who were down on their luck and were now ready to try something they would later be sorry about. अब वो जो दोनों थे, कौन थे दो, एक आदमी कौन सा था, क्या वो शॉपर थे बच्चों, No, they were not shopper. वो शॉपिंग करने नहीं आए थे. और ये कैसे पहचाना ओल्ड मैन ने, उनकी आईज ने,
उनकी वाइज आईज टोल्ड हिम दैट दे वर नॉट शॉपर, ये शॉपर नहीं है. और किस तरह से उन्होंने उसको जो है पैड, एक नोट पैड दिया और एक पेंसिल दी, और किस तरह से हमने देखा दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग, और जो वो करना चाहते थे वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट. हो सकता है जो हम जल्दीबाजी में करते हैं बाद में हमें जो है रिग्रेट करना पड़े उन चीजों के लिए. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, क्रिसमस का टाइम था, सारी शॉप्स क्या हो रही थी बच्चों, दे वर गोइंग बंद होने जा रही थी, क्लोज होने जा रही थी. और उस समय क्या था, ए थिक व्हाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी इन यूएसए. उसी समय जो है स्टिल एक लाइट जो थी क्या हो रही थी, बर्निंग, स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप. और शॉप किसकी थी बच्चों, मिस्टर रे की थी, एक ओल्ड और डेफ थे. तो मिस्टर रे कैसे थे, ओल्ड एंड डेफ. तो ओल्ड क्लॉक शॉप किसकी थी, मिस्टर रे, और ये कैसे थे, डेफ, ओल्ड एंड डेफ. क्लियर. तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जैसे ही उनको देखा तो उन्हें पता चल गया था कि दे वर नॉट शॉपर. और दो आदमी कौन थे वो, एक जो है अपने 20s में था और दूसरा वाला अदर क्लोज टू 50, 50 साल के आसपास था. और किस तरह से उन्होंने जो है उसको बताया कि भाई वो जो है सुनाई नहीं देता, और उन्होंने क्या करा, ही स्लोली पुश्ड अ नोट पैड एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर. और किस तरह से उन्होंने उसको इशारों से बताया कि वो क्या है, डफ है. रे नोस दैट हिज विजिटर आर इन नीड. अब रे जो है समझ गए थे, क्योंकि मैंने अभी पहले भी बताया था आपको. अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके की पॉइंट्स आर गिवन हियर. सो दीज आर की पॉइंट्स, यही हम डिटेल में हम इसके अंदर विद इन दिस पैरा हम पढ़ेंगे. कौन सा है फर्स्ट पॉइंट, रे नोज दैट हिज विजिटर्स आर इन नीड. उन्हें पता चल गया था कि रे को कि उनके जो विजिटर्स हैं जो उनकी शॉप में आए हैं उनको किसकी जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है, आर इन नीड, जरूरत है उनको, मे बी मनी की है या किसी चीज की है, पर उनको किसी चीज की नीड है. ही एक्सेप्ट एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर ए गुड सम ऑफ मनी. अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि कुछ पैसा देके और क्या एक्सचेंज में लिया था, एन ओल्ड वॉच, एक घड़ी. अब ये उनका आपस में एग्रीमेंट था, ये अभी हम चैप्टर में पढ़ेंगे. द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल स्प्रेड्स एवरीवेयर एज द ओल्ड क्लॉक क्लॉक टाइम मेरी क्रिसमस. तो अभी हम ये पढ़ेंगे कि यहाँ से क्या मैसेज मिल रहा है हमें. लेट्स बिगिन द सेकेंड पैरा, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. द क्लॉक टिक टॉक. अब घड़ी जो है क्या करती है, टिक 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 टिक, हर आवर के ईच आवर आफ्टर ईच आवर द क्लॉक टिक टॉक. रे कामली रोट अनदर मैसेज. अब रे ने क्या करा, दूसरा मैसेज लिखा. अब क्या लिखा देखते हैं, लेट्स सी. हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक. क्या तुम यहाँ पे किस लिए आए हो, टू पिक अप अ क्लॉक और ए वॉच. अब क्लॉक और वॉच में क्या डिफरेंस है बच्चों, क्लॉक क्या किसमें लगाते हैं, वॉल में, और वॉच कहाँ पहनती है, रिस्ट वॉच. तो उन्होंने कहा क्या तुम यहाँ पे कोई घड़ी लेने आए हो या वॉच लेने आए. किसने लिखा, हू रोट, रे रोट अनदर मैसेज, हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और अ वॉच. देन ही पॉइंटेड टू द लोन. अब उन्होंने क्या करा, उनकी दुकान में जो है एक लोन का बोर्ड लगा था, उन्होंने इशारा करा. He pointed to the loan board filled with the hanging clocks and pocket watches. और वहां पे क्या थी, कुछ clocks hang हो रखी थी, और उन्होंने सीधे उनको pointed towards the loan board. कि ये board है और loan की जो है जितने भी, क्योंकि loan easily तो मिलता नहीं, तो उसके जो हमें points दे रखे थे किसके बदले में लेना है या क्या उनकी शर्त थी, वो everything was written on that board. तो रे ने क्या करा बच्चों, ही पॉइंटेड
towards that board, loan board. How much will you give me for this? कि तुम मुझे जो है how much, कितना मुझे दोगे? You give me for this. किसके लिए बोला देखते हैं. The man wrote. अब उस आदमी ने क्या लिखा, जब जैसे ही उन्होंने as he wrote another message, तो उसने क्या लिखा, सॉरी यहाँ पे है बच्चों, लोन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग, और जो लोन बोर्ड था उसमें क्या लगी थी, बहुत सारी घड़ियां लगी हुई थी, एंड पॉकेट वॉचेस, और उसमें पॉकेट वॉचेस भी थी. ही वॉज नॉट ए पॉन ब्रोकर. अब पॉन ब्रोकर किसको बोलते हैं, जो लेन, जैसे हमने कोई चीज अपनी रख दी है और उसके बदले हमने क्या रख ले लिया, पैसा ले लिया, उसको बोलते हैं पॉन ब्रोकर. But at the same time couldn't say no to the needy people who place their old watches or clocks before him for anything they could get. अब उन्होंने क्या करा, अपनी पुरानी घड़ियां जो है उनके सामने रख दी. Who place their old watch or जो needy थे, उन्होंने no नहीं कहा, couldn't say no to the needy people who place their old watches or clocks before him for anything they could get. कि इसके बदले कुछ भी मिल जाए. He loaned more than he should. They would be there when the owners wanted them back at the same price he had paid with no interest. तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने किस तरफ जो है इशारा किया था, रे ने पुरानी जो है उन्होंने लोन बोर्ड की तरफ उनका इशारा करा था, जहां पे क्या थी, फिल्ड हैंगिंग लॉक्स क्लॉक्स, जो बहुत सारी घड़ियां रखी हुई थी वहां पे पुरानी, एंड पॉकेट वॉचेस लगी हुई थी. ही वॉज नॉट ए पॉन ब्रोकर बट एट द सेम टाइम कुडेंट से नो टू द नीडी पीपल. अब उसी समय जो है वो पॉन ब्रोकर नहीं था कि जो है किसी चीज की कोई गिरवी रख के जो है पैसा देना. ही कुडेंट से नो टू द नीडी पीपल हु प्लेस दैट ओल्ड प्लेसेस और ओल्ड वॉचेस और क्लॉक्स बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट. ही लोन मोर देन ही शुड, क्योंकि उन्होंने जो है बहुत ज्यादा जो है लोन दे चुके थे. देन ही कुड शुड दे वुड बी देयर व्हेन द ऑनर्स वॉन्ट. अब ऑनर्स क्या चाहते थे, वॉन्टेड देम बैक at the same price he had paid with no interest. Unhi paison mein, at the same price he had paid, ki jitna paisa unhone diya tha utna hi paisa without any interest, ki koi interest nahi denge, utna hi paisa jo hai hum in ghadiyon ka denge. Then the old man seemed to feel a little easier. Ab old man ko laga thoda sa easier laga. Took out his hands. उन्होंने जो है अपना हाथ निकाला from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. तो उन्होंने क्या, उसने क्या करा, जो old man थे उन्हें थोड़ा सही लगा कि ठीक है कि कुछ चीज जो है गिरवी रखी इसको उनको है पैसे दे देते. तो took out his hand from his pocket, अपनी pocket से उन्होंने हाथ निकाला and quickly looked at the watch on his wrist. How much you, will you give me for this? कि तुम जो है कितने पैसे दोगे इस घड़ी का. How much the man wrote. अब उसने लिखा आप, क्योंकि वो कैसे थे बच्चों, deaf थे. ओल्ड मैन कैसे थे, deaf थे. तो उन्होंने कहा कि तुम कितना पैसा पे करोगे. They noticed a little shame in the grey eyes looking at him. The watch was nothing special and yet he had great power. अब जैसे उसने क्या लिखा, the man wrote, how much will you give me for this? तो रे noticed a little shame in the grey eyes looking at him. The watch was nothing special. मतलब कोई ऐसी special घड़ी नहीं थी. And yet had great power. It was something to exchange, a way out of bad situation. तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो ओल्ड मैन थे, क्रिसमस का टाइम था. इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं क्योंकि आगे पढ़ेंगे तो आपकी समझ में. तो हमने क्या पढ़ा, क्रिसमस का टाइम था, सारी शॉप्स जो हैं क्लोज हो रही थी और एक इस शॉप जो
क्या थी बच्चों? स्टिल इट वॉज ओपन, खुली थी. और किसकी शॉप थी बच्चों? वो मिस्टर रे की. मिस्टर रे कौन थे बच्चों? ही वॉज एन ओल्ड एंड डफ. बूढ़े थे और कैसे थे? बहरे थे, उन्हें सुनाई नहीं देता था. और किस तरह से हमने देखा कि वहां पे जैसे वो अपने टर्न हो रहे थे पीछे वाले शॉप के पीछे, क्या था? एक और रूम था. तो बच्चों ध्यान से सुनो क्योंकि अभी हम इसी के एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे. तो जैसे ही टर्न टू गो बैक टू द रूम, तो उन्होंने क्या फील करा? एक कोल्ड वेव जो है अपने नेक में ही फेल्ट. और जैसे ही वो टर्न वे, तो क्या देखा बच्चों? ही सॉ टू मैन, दो आदमी देखे. तो क्या बच्चों वो शॉपर्स थे? नो, दे वर नॉट शॉपर्स. वो शॉपर्स नहीं थे. और वो क्या करने आए थे? क्योंकि उनकी वाइज आईज और एक्सपीरियंस जो है, क्योंकि हमें क्या होता है, काम करते करते इतना एक्सपीरियंस हो जाते हैं, हम जो है सामने वाले को जज कर लेते हैं कि वो क्या शॉपिंग करने आए इतने लेट आवर्स में, या वो उसका इंटेंशन कुछ और है. क्लियर? तो वो जो है समझ गए थे कि किस लिए वो है, उनका जो इंटेंशन है वो सही नहीं है. तो इसी को बच्चों हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. सब बच्चे रिवाइज करेंगे, रीडिंग करेंगे घर में. और कल जो है आपको कहीं समझ में नहीं आया तो आप लोग जो है उसको पूछ सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.